मेरा चैनल टू देख रहे दर्शकों का इस हिंदी बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं तमन्ना बेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव में बचे हैं कुछ ही दिन। चुनावों में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां लगा रही हैं एड़ी चोटी का जोर। दस सदस्यीय भारतीय युवा बॉक्सिंग टीम तीसरी वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आर्मेनिया हुई रवाना। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना के डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह को बनाया पार्टी का उप प्रधान। शहर के व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों की ओर से दी जा रही है शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात विधानसभा के लिए चुनाव होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। वहीं चुनावों में जीत हासिल करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इन्हीं पार्टियों में से एक नाम है गुजरात परिवर्तन पार्टी का, जिसके मुखिया और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के चिर प्रतिद्वंदी केशुभाई पटेल मोदी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। इस चुनाव में उन्हें कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नया इलेक्शन इस बार पर होने वाला क्या? सब इलेक्शन जातिवाद के आधार पर लोग अपील करते हैं। हम कहते हैं कि भाई जातिवाद छोड़ो, परिवर्तन लाना है। इस इलेक्शन में परिवर्तन लाना है, जात पात और धर्म संप्रदाय सब छोड़ के परिवर्तन पार्टी को वोट दो। हम परिवर्तन देंगे, व्यवस्था में परिवर्तन देंगे, वो कानून है उसमें भी परिवर्तन। प्रबल बिल्कुल किसान आत्महत्या कर रहा है। 7000 किसानों ने आत्महत्या गुजरात में की है नरेंद्र मोदी के शासन में। आत्महत्या का सवाल ही नहीं उठता गुजरात में। यही बताता है कि गुजरात में कितनी खराब स्थिति आज है, क्योंकि किसानों को या गांव वालों को आत्महत्या करनी पड़ती है और बहनों पर बलात्कार और उनका खून करना, बलात्कार करना और बच्चों को उठा करके ले जाना, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में गुजरात में हो रहा है। गुजरात आज असलामत गुजरात बन गया। चलो डॉक्टर पसंद। पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड और 18 दूसरी कंपनियों की ओर से सालाना दस्तावेज सौंपने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, उससे बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, आरएसएस के विचारक और चार्टर्ड अकाउंटेंट एस गुरुमूर्ति की और गडकरी को दी गई क्लीन चिट पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि गडकरी खुद को पाक साफ बताने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने खिलाफ जांच कराने को भी तैयार हैं। खबर है कि गडकरी अपने परिवार और दोस्तों के नाम पर कई कंपनियां चला रहे हैं। इस मामले में गडकरी की पत्नी कंचन, उनके बेटों निखिल और सारंग, भतीजा संदीप भुरचांदनी, पूर्ति के वाइस चेयरमैन जयकुमार वर्मा और ड्राइवर मनोहर पांसे का नाम सामने आया है। दस्तावेज के मुताबिक ये लोग उन कंपनियों के शेयर होल्डर हैं और कुछ समय तक उन कंपनियों में डायरेक्टर रहे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी से जुड़े सारे खुलासे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने किए थे। इस मामले में कई रिपोर्टों ने गडकरी को संदिग्ध व्यापार सौदों में लिप्त बताया है। हालांकि बीजेपी के भी कई नेता लगातार गडकरी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर गडकरी खुद को पाक साफ बताने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। चैनल टू के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 10 सदस्यीय भारतीय युवा बॉक्सिंग टीम तीसरी वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आर्मेनिया रवाना हो चुकी है। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का लक्ष्य अपने पहले के रिकॉर्ड को सुधारना होगा। आर्मेनिया रवाना होने से पहले युवाओं की 10 सदस्यीय भारतीय बॉक्सिंग टीम ने राजधानी के करनाल सिंह स्टेडियम में अपना आखिरी अभ्यास किया। इस बार भारतीय मुक्केबाजी टीम का मकसद पहले से बेहतर प्रदर्शन करना है। गौरतलब है कि पिछली बार भारत ने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया था। वहीं टीम की योजनाओं से कोच जी मनोहर की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। अबाउट 6 महीने से लगातार अभी मेरा उम्मीद है ये चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे।
और लास्ट वर्ल्ड कप में हम एक गोल्ड एक सिल्वर लेके आया, इस बार उससे ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। वैसा हम प्रिपरेशन किया बच्चों को, ऐसा मोटिवेशन किया है। We are preparing this team for the coming 2016 Olympic Games. These are young boxers, our junior team, and they are doing very good in the coaching camps. दिल्ली से चैनल 2 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए चैनल 2। जोड़ों, घुटनों, कमर दर्द और सूजन का सबसे बड़ा दुश्मन जॉली रेड गोल्ड। जॉली रेड गोल्ड दर्दों का तेल और कैप्सूल, एक आयुर्वेदिक रामबाण जो जोड़ों, घुटनों, कमर दर्द और सूजन को जड़ से मिटाए और शरीर को बनाए फिट और एक्टिव। जॉली रेड गोल्ड, हर घर की आम जरूरत। वाराणसी में चल रहा गंगा महोत्सव हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस महोत्सव में इंडियन म्यूजिक लोगों के लिए सबसे आकर्षक पहलू बना हुआ है। लोग इस म्यूजिक की ओर अपने आप ही खींचे चले आ रहे हैं। पिछले काफी समय से श्रोमणी अकाली दल की सेवा कर रहे डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह को श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की ओर से उन्हें श्रोमणी अकाली दल का उप प्रधान बनाया गया। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल द्वारा जहां डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह को सिरोपा देकर सम्मानित किया गया, वहीं डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह को उप प्रधान नियुक्त करने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर तेजिंदर पाल के अकाली दल के उप प्रधान बनने से अकाली दल और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह का लुधियाना और उसके आसपास इलाकों में काफी प्रभाव है। आज डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह जिन्हों का लुधियाने शहर से नाल दे इलाके बहुत बड़ा होल्ड है, आज श्रोमणी अकाली दल शामिल होया। इन्हों का आने नाल बहुत बड़ा बल श्रोमणी अकाली दल मिलेगा तो पंजाब नूं। इस अवसर पर डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा की ओर से श्रोमणी अकाली दल के नए बने उप प्रधान डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह को सिरोपा डालकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा की ओर से डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह की श्रोमणी अकाली दल के प्रति की गई उनकी सेवाओं का जिक्र करते हुए उन्हें बधाई दी गई। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह होरां दीआं जिहड़ीआं पार्टी प्रति सेवावां उन्हां तों प्रभावित होकर उन्हां नूं श्रोमणी अकाली दल दा उम्मीद प्रधान बनाउण दा फैसला कीता। मैं डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह होरां नूं दिल दीआं गहराइआं तों मुबारकबाद दिना और नाल ही आस करदा कि जिस तरह पहला पार्टी की सेवा करते रहे हैं नवी नियुक्ति तो बाद होर भी तनदेही दे नाल पार्टी वास्ते काम कर। डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह को श्रोमणी अकाली दल का उप प्रधान बनाए जाने पर जहां शहरवासियों में खुशी का माहौल बना हुआ है, वहीं उप मुख्यमंत्री के सलाहकार अमरजीत सिंह सिधवा ने भी इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने उगे डॉक्टर विद्वान श्रोमणी अकाली दल की यह परिवार लंबे समय तो जी सेवा करता रहा उन्होंने मुख रखद डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह लुधियाणा वाले श्रोमणी अकाली दल का उम्मीद प्रधान नियुक्त किया। मैं अपने वालों श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब वालों समुची पार्टी वालों डॉक्टर साहब उन्होंने परिवार को मुबारकबाद दिना और आस करदा कि जिस भावना आशे नूं मुख रख के उन्हां दीआं सेवावां नूं मुख रख के पार्टी प्रधान साहब ने इन्हां नूं ये मान दिता पार्टी सेवा करन दा जिहड़ा मौका दिता ये तनो मनो तनदेही नाल इमानदारी नाल उस सेवा नूं निभाउणगे। पहिलां नालों भी जिम्मेवारी अपनी ज्यादा समझते हुए होर समा कढ के पार्टी लई ज्यादा सेवा कर सके। इतना ही नहीं, डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह के श्रोमणी अकाली दल का उप प्रधान बनने पर शहरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर की प्रमुख हस्तियों ने जिनमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह गाबड़िया, श्रोमणी अकाली दल के बोर्ड तथा ट्रस्ट बोर्ड चेयरमैन बाबा जीत सिंह ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए जहां श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष
सुखबीर सिंह बादल का धन्यवाद किया। वहीं उन्हें उम्मीद जताई कि डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह के उपप्रधान बनने से पार्टी और मजबूत होगी। धन्यवादी हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब दे जिन्हां ने डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह जी नूं श्रोमणी अकाली दल दे वाइस प्रेजिडेंट बनाया। इहदे नाल सहरी सिखां दे विच बहुत वड्डी गल इक खुशी दी लहर दौड़ गई है क्योंकि सहरी सिखां दे विचों इन्हां नूं वाइस प्रेजिडेंट बनाउणा एक शहरियां दी वड्डी मंग सी जिहड़ी पूरी हुई है। तो मैं इस खुशी दे मौके ते डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह जी नूं जिथे वधाई देना उत्थे मैं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता। डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह के उपप्रधान बनने पर लुधियाना से विधायक और पंजाब की पीडब्ल्यूडी मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों ने भी अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान जहां उन्होंने डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह को बधाई दी वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का धन्यवाद भी किया। बहुत ही खुशी है कि डॉक्टर तेजिंदर सिंह जिन्होंने सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल ने वाइस प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल का नियुक्त किया। मैं समझदा यह जे चंगे बंदे अकाली दल दे विच आउण दे नाल अकाली दल दा बहुत वड्डा मान बणदा। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के मुख्य सलाहकार महेश इंद्र सिंह ग्रेवाल ने भी डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह को जहां पार्टी का उप प्रधान बनने पर खुशी जाहिर की वहीं उन्होंने डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह को बधाई भी दी। गल आ कि डॉक्टर तेजिंदर उन्हां नूं बाल साहब ने पार्टी का वाइस प्रेजिडेंट बनाया। इन्हां दी पार्टी विच शमूलियत पंजाब विच आम तौर पर विशेष तौर पर लुधियाना विच अकाली दल नूं सियासत नूं तकड़ा करने बहुत ही वड्डी सहायोग क्योंकि इस परिवार का समाज सेवा विच लुधियाने विच बहुत वड्डा योगदान है। कई इंस्टीट्यूशनस नाल जुड़े हुए ने ते लोकां दी नब्ज़ पछाणदे ने। मैं इन्हां नूं इस गल दी वधाई दिंदा ते उम्मीद करदा परमात्मा आउण वाले समय च इन्हां नूं सफलता बख्शे। श्रोमणी अकाली दल के बाबा बोर्ड और पंजाब ट्रेडर्स के चेयरमैन बाबा अजीत सिंह की ओर से जहां डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह को बधाई दी गई वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे लुधियाना वासियों का हौसला भी बढ़ा है। डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह जी जो के पिछले बहुत लंबे समय तो डॉक्टरी पेशे राही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राही लोगों की सेवा कर रहे पंजाब अते पंजाब विच वसन वाले हर वर्ग के लोगों की मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल दे बहुत ही सियाने बहुत ही सूझवान बहुत ही दूर अंदेश जोश अते होश नाल लोगों की सेवा कर रहा है प्रधान श्रोमणी अकाली दल साहब सुखबीर सिंह बादल ने। डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह जी नूं पार्टी का मीत प्रधान नियुक्त करके एक बहुत वधिया काम किया क्योंकि डॉक्टर साहब की जिहड़ी सोच है वह समय समय से लोगों दियां दुख तकलीफां सरकार वालों किए हुए चंगे काम अक्सर ही अपने चैनल राही लोगों च लियांदे रहिंदे आ। जिथे श्रोमणी अकाली दल भाजपा ने पंजाब विच वसण वाले लोगों की सरकार बना के सेवा कीती है अते उचाइयां नूं छुया मैं समझदा डॉक्टर साहब की नियुक्ति तो बाद श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नूं होर भी वध बल मिलेगा अते पार्टी जिहड़ी आ लोगों की होर इन्हां दे सुझावां राहीं सेवा कर सकेगी ते पार्टी होर बुलंदियां नूं छुएगी। तो जिथे मैं पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल अते पार्टी दे सिप्पा सरार सरदार प्रकाश सिंह जी बादल दरवेश सियासतदान सरप्रस्त श्रोमणी अकाली दल दा धन्नवाद करदा उत्थे डॉक्टर साहब नूं अते डॉक्टर साहब जी दे परिवार नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा होया ये कामना करदा कि आने वाले कल विच वाहिगुरू परमात्मा डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह जी नूं तौफीक बख्शिश करन तां जो होर वध चढ़ के जिहड़ी लोगां दी सेवा पार्टी विच रह के कर सकन। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की ओर से लुधियाना के डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह को पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाने पर जहां शहरवासियों में खुशी का माहौल है वहीं लुधियाना के मेयर हरचरण सिंह गोलवाड़िया ने भी डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह को बधाई देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। श्रोमणी अकाली दल बादल दे प्रधान साहब सुखबीर सिंह जी बादल उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला सुचजा फैसला लिया है जिस अनुसार उन्होंने
ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾਊਂਡਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗੁਸਾਈ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋ ਜਹਾਂ ਬਧਾਈ ਦੀ ਗਈ ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨੇ ਸੇ ਵਪਾਰੀਓ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰਾ ਵਧਾਉਣਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ वहीं श्रोमणी अकाली दल के नए बने उप प्रधान डॉक्टर तेजिंदरपाल सिंह ने जहां श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का धन्यवाद किया वहीं उन्होंने कहा पार्टी की ओर से जो सेवा दी गई है वह उसे पूरी मेहनत के साथ निभाएंगे लुधियाना से कैमरामैन हरदीप रोहित के साथ विवेक ढल की रिपोर्ट चैनल 2 वाराणसी में चल रहा गंगा महोत्सव हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है इस महोत्सव में इंडियन म्यूजिक लोगों के लिए सबसे आकर्षक पहलू बना हुआ है लोग इस म्यूजिक की ओर अपने आप ही खींचे चले आ रहे हैं गंगा महोत्सव को मुख्य रूप से संगीत के पारंपरिक तरीके से पुनर्जीवित करने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है जो कि फिल्मी संगीत के तेजी से पांव पसारने की वजह से हाशिए पर जा चुका है इसी महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने किया शहनाई उस्ताद उशफत अली अब्बास खान ने कहा कि शहनाई बजाने से उनको काफी खुशी मिलती है इसलिए वे पिछले कई दशकों से शहनाई बजा रहे हैं हम शहनाई बजाने के लिए आए हैं और हम भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के सगे भतीजे हैं और सगे दामाद हैं और सगे सागिर्द हैं उनके साथ पूरी दुनिया में मैं गया हूं जैसे कि न्यूयॉर्क मॉन्ट्रियल कनाडा सन टोरंटो बोस्टन कैलिफोर्निया हॉलीवुड बैंकॉक हांगकांग अरब ईरान इराक रोम जेरी जनेवा लंदन स्विट्जरलैंड कुवैत बहरीन दुबई मास्को ताशकंद साउथ अमेरिका सूरीनाम गयाना मेक्सिको अब्बास खान ने अपने शहनाई बजाने की कला के लिए मां सरस्वती को धन्यवाद किया हाँ संगीत में अगर सच्चाई की सच्चाई है तो मां सरस्वती में है और संगीत एक हमेशा अकबर बादशाह के जमाने के दरबार से जो चली है और आज तक चल रही है और चलेगी वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट चैनल 2 मशहूर फैशन फोटोग्राफर लव इसरानी अब एक्टिंग सिखाएंगे इसके लिए उन्होंने मुंबई में शुरू की है एक्टिंग अकेडमी जाने माने फैशन फोटोग्राफर लव इसरानी निकल पड़े हैं एक नए सफर पर वो अब एक्टिंग सिखाएंगे इसके लिए उन्होंने अंधेरी में एक एक्टिंग स्कूल शुरू किया है स्कूल का नाम है मुंबई एक्टिंग एकेडमी लव इसरानी को उनके इस नए सफर पर शुभकामना देने पहुंची थी गीता बस्रा जिन्होंने कभी इमरान हाशमी के साथ दिल दिया है से बॉलीवुड में कदम रखा था उन्होंने माना कि एक्टिंग को करियर बनाने के लिए जरूरी है एक्टिंग के गुर सीखना पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आई वुड लाइक टू विश द होल इसरानी फैमिली द बेस्ट ऑफ लक कंग्रेचुलेशन बहुत अच्छा लगा यहाँ आके बहुत सुंदर हॉल एंड एकेडमी बना है जहाँ आप हर चीज कर सकते हो एक बिल्डिंग में जैसे डांस एक्टिंग एनीथिंग क्रिएटिव टू डू विद दिस इंडस्ट्री जैसे लव ने मुझे बोला कि हिज पेरेंट्स हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 20 इयर्स टू डेकेड्स सो इट्स नाइस टू गिव समथिंग बैक टू द इंडस्ट्री And I think there couldn't be a better way than to be here and launch this great academy for the students now, for them to come and...
मशहूर फोटोग्राफर लव इसरानी इस मौके पर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा उनकी फैमिली का सपना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां सिर्फ एक्टिंग का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए बल्कि टैलेंट को उभारा जाए, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने ये कदम उठाया। मेरी फैमिली आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लास्ट 20 सालों से रही है, तो उनका ये सपना था मेरे डैड का कि एक स्कूल ऐसा हो जहाँ पे प्योरली एक्टिंग सिखाई जाती है, बिकॉज बॉम्बे जैसे शहर में तो एक नहीं अनेक स्कूल्स हैं, लेकिन उनको बड़े बड़े सर्टिफिकेट मिल जाते हैं और वो एक्टर्स परफॉर्म नहीं कर पाते। सिंस हमारा प्राइमरी बिजनेस हमेशा टैलेंट मैनेजमेंट रहा है, मैं खुद आज से 4-5 साल पहले तक मैं ऑडिशन लेता था जब एक्टर्स की, उनके पास सर्टिफिकेट होता था, इतना बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट, इतने बड़े बड़े नामों से निकले थे बट परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो हमारा मोटो यही है कि हम ऐसा स्कूल लाए इस शहर में जहाँ पे प्योर एक्टिंग सिखाई जाती है, एक्टिंग के साथ हम मार्शल आर्ट सिखाएंगे, फाइट सिखाएंगे, डांस सिखाएंगे, जो एक कंप्लीट पैकेज होता है एक एक्टर को परफॉर्म करने के लिए। तो हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इकट्ठा किया और वो उन्हें परफॉर्म करवाना सिखाएंगे। वही मशहूर मॉडल सोफिया भी मानती है कि अच्छी एक्टिंग के लिए अच्छी ट्रेनिंग बेहद जरूरी होती है। इसके साथ ही उन्होंने इस रानी के एक्टिंग स्कूल को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। मैं सोचती हूँ कि एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कोई मॉडल या कुछ एक्टर बनना चाहता है कि आपको ट्रेनिंग जरूरी चाहिए, और ये पहली बार मैंने देखा कि इंडिया में ये सही ट्रेनिंग मिलती है जिसमें लंदन के हिसाब से ट्रेनिंग मिलता है। मैं खुद 5 साल के लिए मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग किया है लंदन में, मैंने डिग्री लिया, ए लेवल लिया, और ये मुझे जैसे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि लोग समझते कि एक्टर कहते मुझ में है, मैं एक्टर हूँ। चैनल 2 के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ एक बार फिर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए चैनल 2। बोरी चो मज निकल दी देखिए, छप्पड़ चो तो कई बार देखिए, आज फिर मैं तेन तारा फीड दी बोरी चो मज कट के दिखाऊंगा। बहुतियां गल्ला ना बनाओ, छेती छेती तारा फीड वाली स्कीम समझाओ। लाओ जी फिर कोले नाम ने कत्ती कटने ना मौका हाथों गवाओ, 2 बोरियां तारा फीड नाल 1 कूपन पाओ, मतलब चाहे 51,000 चाहे मज ले जाओ करे। चंगा फिर चल करे, मैं कोई मज आए मजा नु नजारा जदो फीड मिल जवे तारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वाराणसी में आयोजित उलुक महोत्सव का जश्न मनाने के लिए देश भर से कवि यहां पहुंचने लगे हैं। इस साल इस महोत्सव का थीम देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर आधारित है। संस्कृति और परंपराओं वाले शहर में आयोजित होने वाला ये महोत्सव कवियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का सबसे बेहतरीन मौका होता है। गौरतलब है कि उलुक महोत्सव एक ऐसा मौका होता है जहां लोग सारी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए यहां सिर्फ मौज मस्ती के लिए आते हैं। यहां आने वाले ज्यादातर लोग कवि होते हैं जो अपनी कविताओं का पाठ करने यहां आते हैं। कहा जाता है कि महान हिंदी कवि और लेखक गुरु बेड़प बनारसी की याद में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में उल्लू के महत्व को दोहराने के लिए भी इसका आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि उल्लू धन की देवी लक्ष्मी की सवारी है। मेरा नाम साण बनारसी है, मैं 50 वर्षों से कविता करता हूं, और उद्देश्य यही है कि आप पूरे देश में देखें, पहले सबसे पहले एक बहुत पुराना शेर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो हम लोग उसी को रेखांकित करने के लिए आप देख रहे हैं कि इस दफा जो स्लोगन है उसका नाम है कीचड़ उछालिए, अपने को पाक साफ साबित करते हैं, दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, तो कुल उल्लू हैं, ये नहीं कहिए कि कोई अलग से है उनका। तो ये परंपरा का रेखांकित करने के लिए हम यहाँ उलूक महोत्सव और महामूर्ख मेला करते हैं। उल्लू से अभिप्राय क्या है आप जानते नहीं, आप कभी देखे होंगे यार, तुम बड़े उल्लू हो, एक कहावत है, हर आदमी एक दूसरे को कहता है उल्लू हो, और उल्लू जो होता है बहुत जागरूक पक्षी होता है, ये आप समझ ले, क्योंकि आप किसानों का मित्र होता है, किसानों के कीड़े मकोड़े चूहे किसानों की भलाई करता है, और उसको लक्ष्मी का वाहन है,
जो मतलब उल्लू को अगर लक्ष्मी की सेवा करना चाहते हैं तो बिना उल्लू के आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए उल्लू को ध्यान में रखते हुए दिवाली के आसपास ही हम लोग ये आयोजन करते हैं। इस आयोजन में देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग संस्कृति और परंपराओं वाले कवि एकजुट होते हैं। हर साल इस महोत्सव का एक थीम होता है और इस साल की थीम कीचड़ उछालो है। गौरतलब है कि इस थीम का मुख्य एजेंडा देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर कटाक्ष करना था। ये दिखाता है कि नेता कैसे लोगों को उल्लू बना रहे हैं। राजू जी, इस तरह के आयोजन के पीछे मकसद क्या है और क्या है आयोजन? काशी नगरी में प्रख्यात साहित्यिक संस्था शनिवार गोष्ठी के तत्वाधान में निरंतर 12वें वर्ष काशी की मौज मस्ती अल्हड़पन और जिंदा दिली का प्रतीक अपने ढंग का अनोखा और निराला उलूक महोत्सव 2012 का भव्यतम आयोजन आज यहाँ किया गया है। और सर्वप्रथम उलूक महाराज की गाजे बाजे के साथ टांगे पर सवारी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वाराणसी से चैनल 2 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उज्जैन में आयोजित कालिदास समारोह में बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर को रंगमंच में उनके योगदान के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। अनुपम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के छात्र रह चुके हैं और फिल्म के अलावा रंगमंच से भी उनका खासा रिश्ता है। अनुपम खेर ने इस मौके पर रंगमंच से जुड़े लोगों को भरोसा दिलाया कि सफलता जरूर मिलती है और सपने भी पूरे होते हैं। सबका सबकी आंखों में एक मेरे प्रति रंगमंच के प्रति एक उदारता है, एक इज्जत है जो मुंबई के फंक्शन में देखने को नहीं मिलती है। मुझे ये डिमांड ड्राफ्ट दिया गया है, मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है, मगर मुझे लगता है इससे ज्यादा मुझसे ज्यादा जरूरत यहां कर रहे रंगमंच करने वाले लोगों को, कलाकारों को होगी। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 2 लाख रुपए का आपने मुझे सम्मान दिया है या डिमांड ड्राफ्ट दिया है, मैं यहां के लोकल आर्टिस्टों के काम करना चाहता हूं। और अच्छा काम करिए इसके साथ, क्योंकि ये याद रखिए कि जिंदगी में सारे सपने पूरे होते। लेकिन अनुपम ने ये भी कहा कि सफलता और सपने पूरे करने के लिए जरूरी है जिंदगी में ईमानदारी बरती जाए और मेहनत का रास्ता चुना जाए। मैंने हमेशा सपने देखे और मेरे दादाजी कहा करते थे कि जिंदगी में हर सपना पूरा होता है, आपको सिर्फ ईमानदारी बरतनी है और मेहनत करनी है। अनुपम खेर ने कहा कि कालिदास सम्मान पाना उनका सपना था जो आज पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि वो आज भी सपने देखते हैं। फिल्मों में काम करना एक सपना था, सफलता मिली, काफी फिल्मों में काम किया, फिर लगा कि अभी फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए, वो भी मिल गए, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए, वो भी मिल गए। एक अवार्ड मुझे हर साल चूकता गया मेरे हाथ से। मुझे लगा कि शायद अखिल भारतीय कालिदास समारोह वाले सोचते हैं कि हमने एक अच्छा रंगमंच का कलाकार फिल्मों में खो दिया है, अब इसको अवार्ड देने की जरूरत नहीं है। मगर 6 साल पहले मैंने 6 साल से भी पहले मैंने किरण जी के साथ एक प्ले किया था सालगिरह। हर साल मुझे लगता था इस बार बुलाएंगे, मगर नहीं बुलाया। फिर पिछले 7 साल से मैं ये कुछ भी नाटक का मंचन करता हूँ, देश के और विदेश के हर शहर में मैंने इसका मंचन किया है। मेरी जीवनी पर आधारित है, हर शब्द कहीं किसी बोर्ड पर कोई चिट्ठी आती थी तो का लिखा था तो लगता था कि कालिदास समारोह से आ रहा है लेटर। अनुपम खेर को सम्मानित किए जाने के मौके पर उज्जैन के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मुंबई से चैनल 2 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए चैनल 2।